हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड विद रानी। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सा हेल्दी ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट रेसिपी, जो देखने में जितना ही ब्यूटीफुल है, खाने में उतना ही टेस्टी और बनाने में उतना ही इजी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर दो बर्तन ले लिया है और मुझे चाहिए चार अंडे। तो चार अंडों को हम तोड़ के एक तरफ एक वाइट और दूसरी तरफ एक येलो हम कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक वाइट और येलो सेपरेट कर लिया है। तो एक वाइट में हम डालेंगे एक बड़ा कटा हुआ प्याज, जिसे मैंने छोटे छोटे करके काट लिया है। एक कैप्सिकम, जिसे आप छोटे छोटे करके काट लेंगे, जैसे ही प्याज हमने काटा है उसी तरह छोटे करके काट लेंगे। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक छोटे साइज का टमाटर, जिसे मैंने छोटे छोटे करके काट लिया है। अब हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डाल के हम अच्छे से इसे बीट कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे ये इस तरह फोम आ जाए अच्छे से। अब लेते हैं एक येलो। एक येलो पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, सिर्फ ये येलो के लिए, और इसे भी हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अब हम डालेंगे एक चुटकी हल्दी पाउडर और यहाँ पर भी हम एग योक को अच्छे से बीट कर लेंगे। इसे थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए हम डालेंगे हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हम एक वाइट में भी हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और दोनों को फिर से अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। प्रिपरेशन हो चुका है, अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो कोई भी एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और उसमें इस तरह ऑयल ग्रीस कर लेंगे, ऑयल स्प्रेड कर लेंगे। इस स्टेज में आपको वीडियो अच्छे से देखना है और जिस तरह मैं बना रही हूँ उसी तरह बनाते जाना है। तो फर्स्ट लेयर हम डाल देंगे एक वाइट का। गैस को हमें पूरा स्लो फ्लेम में ही रखना है और यहाँ पे एक मिनट का कुकिंग टाइम हो चुका है। अब हम इसे टर्न करते जाएंगे। एक स्पून या तो एक कोई भी स्पैचुला के साथ आप इस तरह उसे टर्न करते जाइए और वो एक बढ़िया सा रोल के जैसे बन जाएगा। देखा आपने कितने बढ़िया से रोल हो गया। अब डालेंगे फिर से तेल और थोड़ा सा तेल हम फिर से इस तरफ स्प्रेड करेंगे। अब डालेंगे फिर से हमारा एग वाइट। एग वाइट को स्प्रेड करने के बाद फिर से इस तरफ से पलटते हुए एक का जो रोल बन गया था हमारा, उसे फिर से टर्न करके दूसरे साइड में हम ले लेंगे, जिससे क्या होगा, एक का जो दूसरा लेयर है उसमें अच्छे से चिपक जाएगा और बढ़िया से साइड में कुक हो जाएगा। अब फिर से दूसरी तरफ हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे और फिर बचा हुआ जो एग वाइट है हम उसे फिर से डाल देंगे और इस तरह स्प्रेड कर लेंगे। स्प्रेड करने के बाद हम इस तरह फिर से उसे दूसरी तरफ पलट के ले आएंगे। देखिए कितने बढ़िया से मेरा रोल जैसे रेडी हो चुका है। अब दूसरी तरफ फिर से थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। अब हम येलो वाला लेयर रेडी कर लेंगे। सेम प्रोसेस में हम येलो कलर का लेयर बनाएंगे। एग योक को जो हमने बीट करके रखा था उसका भी उसी तरह सेम प्रोसेस में पतला सा लेयर डाल देंगे और सेम हम इस तरफ से उस तरफ उसको उल्टा करते हुए पलट के ले जाएंगे। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे और दो बार के लिए, ताकि हमारा जो एग वाइट है अंदर का अच्छे से एग येलो में अच्छे से कवर हो जाए और एक बढ़िया सा लुक आ जाए। मेरे सारे एग योक का जो लिक्विड था वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अभी मेरा रोल बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे कुक होने देंगे स्लो फ्लेम में मिनिमम 2 से 3 मिनट के लिए। तो हम इसे कवर करेंगे 2-3 मिनट के लिए कुक करके बंद कर देंगे गैस। अब 2-3 मिनट हो चुका है, बढ़िया सा रोल रेडी हो चुका है। देखिए बहुत बढ़िया हेल्दी एंड टेस्टी भी रहेगा। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और एक नाइफ लेके कोई भी पसंदीदा शेप में इसे काट के हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मेरा मॉर्निंग वीकेंड ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। तो मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से आप सर्व कर सकते हैं इसे। टमेटो सॉस या तो फिर कोई भी ग्रीन चटनी के साथ आप इसे दे सकते हैं। तो ये रेसिपी अपने घर वालों के लिए ज़रूर बनाइए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करिए। ये वीकेंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ट्राई करने के बाद आपके घर वाले ज़रूर आपको अप्रिशिएट करेंगे। और आपका ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कैसे बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे मिलेंगे और एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।